इमाम यादव ने फरमाया कि जिस इमाम ने जो तहकीक की है ना वतन है, जो खुशी से जिस भी तरीके को अपनाया उसको अपनाने मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप फरमाते हैं कि मैंने हजारा लोगों को देखा ऊंची जात से ताल्लुक रखते थे, धन दौलत के मालिक थे, बड़ी पुरतई जिंदगी थी, लेकिन न दीन सीखा, न दीन पर अमल किया, न दीन आगे पहुँचाया। वो जो साहिब इज्जत थे वो रुस्वा और जलील हो गए। फिर आप फरमाते हैं मैंने कमजोर लोगों को देखा, मुफलसों को देखा, फुकरा को देखा, तंग हालत वालों को देखा, कमजात वालों को भी देखा। जब उन्होंने दीन कुरान और हदीस का इलम सीखा, उस पर अमल करके दूसरों तक पहुंचाया, अल्लाह की कसम वो जमाने के इमाम बन गए, वो रहबर और आका बन गए। ये है वो तरीका बेटे, जो दुनिया या आखिरत में इमाम आका सरदार किसी का नाम ले लें जो बना है ना मेरे बेटे, उसका बैकग्राउंड देखो, खानदान, उसकी पहले की हैसियत और